हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। राम राम जी सबको। गाइस मैं आ चुकी हूँ फाइनली आज अपना रिएक्शन लेकर के, काफ़ी टाइम बाद और टाइम से मैं कोई रिएक्शन वीडियो नहीं लेकर के आई। सो गाइस, मिर्ज़ापुर सीजन 3 का टीज़र आ चुका है और हम सभी को, मतलब पर्सनली मुझे ये वेब सीरीज़ बहुत अच्छी लगी थी और मैं काफ़ी टाइम से वेट कर रही थी कि कब इसका सीज़न 3 आए। सो फाइनली सीज़न 3 का टीज़र आ चुका है और मैं देने वाली हूँ इस पर अपना रिएक्शन। सो आप सभी वो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। सो प्लीज़ वीडियो पर लास्ट तक बने रहो, लेट्स गो। एक बलवान नर और एक चुस्त मादा जब हड़कंप मचाते हैं तो उससे जंगल अक्सर दहल जाता है, पर जंगल की जंग में शेरों का सामना सभा शेर से होता है और जंगली बिल्लियां चालाक लोमड़ियों का रास्ता काट देती हैं। तूफानी चीते बड़ी रफ्तार से घात तो लगाते हैं पर बेरहम शेरनी के नोकीले पंजों से मात खा जाते हैं। जब खरगोश छटपटाने लगे, लक्कड़ बग्गा लड़खड़ाने लगे, गीदड़ भपकियाने लगे और घड़ियाल आंसू बहाने लगे तो समझो घायल शेर लौट आया है। कड़केगी बिजली, गूंजेगा आसमान, गलियारे होंगे लहू लुहान, इस बार मचेगा घमासान। गर्दा कटने वाला है, पर्दा फिर से हटने वाला है, क्योंकि बात होगी बपोती की, बकैती की, बवाल की, क्योंकि बात होगी जंगल के भोखाल की। अभी भी थोड़ा टाइम है और मुझे ऐसा लग रहा है इतने टाइम से हम लोग वेट कर रहे थे सीजन 3 का और अभी भी इतना टाइम टेक कर रहे हैं। सो अभी थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। 5 जुलाई को ये वेब सीरीज आने वाली है। सो गाइज, मेन चीज़ क्या है इसमें, मेन रोल था मुन्ना भैया का। तो मुन्ना भैया तो दिखाया गया कि ऐसा कि अब शायद ही इसमें दिखे हैं क्योंकि उनकी तो डेथ हो चुकी है, बट गोलू का रोल देखने लायक होगा एंड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। त्रिपाठी जी का भी रोल काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। सो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट है कि जल्द से जल्द ये वेब सीरीज आए। सो गाइज, ये था मूवी, सॉरी वेब सीरीज का टीज़र। अभी इसका ट्रेलर आना बाकी है, उसके बाद आएगी फाइनली वेब सीरीज। सो आप सभी को कैसा लगा ये टीज़र और इसमें पहले वाली चीज़ें दिखाई गई हैं कि कैसे क्या हुआ और आगे क्या होगा। सो आई थिंक आप सभी को रिएक्शन अच्छा लगा हो। सो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके, लव यू ऑल।